नमस्कार, मैं दिशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल की खास पेशकश टॉप 10 एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में। तो चलिए करते हैं हेडलाइंस का रुख। विराट के भाई विकास कोहली ने इंस्टा पर शेयर की अनुष्का विराट की बेटी की पहली प्यारी सी तस्वीर और लिखा, खुशी की लहर, घर में आई परी। कबूल है 2 के लीड रोल करण सिंह ग्रोवर हुए कोरोना पॉजिटिव, जिस कारण कबूल है 2 की टीम के कुछ सदस्य भी हुए कोरोना पॉजिटिव। वहीं KGF 2 के टीजर ने 2020 में आई सारी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4 दिन में व्यूज पहुंचे 13 करोड़ से पार। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला शो नागिन 5 जल्द ही बंद होने वाला है। शो की जगह एकता कपूर का कोई और नया शो देगा दस्तक। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी के आने से तैमूर अली खान हुए ट्रॉल, बने लाखों मीम्स। पवित्र रिश्ता फेम अमित सरीन का COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव, परिवार भी हुआ संक्रमित। शाहरुख खान को अपनी फिल्म्स की कहानी सुनाने के लिए एक डायरेक्टर ने डाला उनके घर के बाहर डेरा, सामने आई फोटोज। बिग बॉस 14 से बाहर आते ही राखी सावंत पर बरसी जैस्मीन, बोली उनके साथ रहना हुआ मुश्किल। प्रीति जिंटा और उनकी फैमिली ने दी कोरोना को मात, टेस्ट आया नेगेटिव। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मौत के बाद कार्तिक से मिलने आई नायरा की रूह, शो में आएगा एक अनोखा ट्विस्ट। तो आज की टॉप 10 एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत की अन्य खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।